अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड इंटर पार्ट वन एंड पार्ट टू सेकेंड एनुअल डे शीट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी स्टूडेंट, बात करते हैं HSSC पार्ट वन एंड पार्ट टू की सेकेंड एनुअल डे शीट की अनाउंसमेंट के हवाले से कि आपके पेपर्स किस डेट को शुरू होंगे और आपकी मार्किंग किस तरीके से होगी। क्या इस दफ़ा ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे कि नहीं, या पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा? तो वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी पेपर मार्किंग के हवाले से, तो पेपर मार्किंग आपको पता है कि फर्स्ट एनुअल की नस्बत आपको ऑलरेडी भी बताया गया था कि जैसे SSC के जो पेपर्स हो रहे हैं वो फर्स्ट एनुअल की नस्बत सेकेंड एनुअल में आपके आसान पेपर आएंगे और जो आपकी मार्किंग है वो सेकेंड एनुअल में बहुत ज़्यादा लीनियर मार्किंग होगी। टफ मार्किंग, टाइट मार्किंग आपकी नहीं होगी। आपके जो पेपर्स की मार्किंग होती है वो सेकेंड एनुअल में लीनियर होगी। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स की अगर बात की जाए तो सेकेंड एनुअल में जो आपको ग्रेस मार्क्स हैं वो भी दिए जाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड एनुअल में पास हों। मेजोरिटी बच्चे सेकेंड एनुअल में पास हो जाते हैं, उनकी सप्ली क्लियर हो जाती है या वो इम्प्रूवमेंट के दे रहे होते हैं तो उनके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इंटर पार्ट वन एंड पार्ट टू की जो चेकिंग है वो आपके सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स की वो लीनियर होगी। आपकी कोई इतनी टाइट मार्किंग नहीं होगी। सेकेंड स्टूडेंट, अगर हम इसकी डे शीट के बारे में बात करेंगे तो आपका जो पेपर्स हैं इंटर पार्ट वन एंड पार्ट टू के, ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। SSC के पेपर्स ख़त्म होंगे तो साथ ही आपके 16 अक्टूबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे इंटर पार्ट वन एंड पार्ट टू के। वो तमाम स्टूडेंट जो कि फेडरल बोर्ड के अंडर आते हैं उन तमाम के जो पेपर्स हैं सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स के वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स का ये था कि हमारे जो पेपर्स हैं वो इस दफ़ा उनका पेपर पैटर्न चेंज होगा कि नहीं, सेकेंड एनुअल में पेपर पैटर्न वही रहेगा जो हमारा फर्स्ट टर्म का था। तो जी स्टूडेंट, वैसा ही है। जैसे आपने फर्स्ट एनुअल के पेपर्स दिए थे जो आपका उसमें पेपर पैटर्न था, सेम वही आपका पेपर पैटर्न सेकेंड एनुअल में भी अप्लाई किया जाएगा। आपके पेपर पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं है, उसी तरीके से MCQs आएंगे, उसी तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन प्लस आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एग्जाम और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आती है उसका इंशाल्लाह सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।